व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। 3 अप्रैल के करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। शानदार तरीके से वीडियो को अगर यूटिलाइज करना है तो क्वेश्चन देखते ही आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। इस तरीके से अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर चलेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में काफी फायदा ये आप लोगों को पहुंचाने वाला है। और देखिए, यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है कई बार कि सर ये यूपीएससी के लिए ही है क्या? बस देखिए, मेनली तो यूपीएससी के लिए है, पर लेकिन अगर आप लोग जैसे कि राज्य के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेवल इतना अच्छा हो जाता है कि फिर कोई भी एग्जाम आप लोग निकाल लेंगे। यानी कि उस लेवल पर जाकर पढ़ाया जा रहा है कि नीचे के सारे एग्जाम आप लोग क्लियर हो जाएंगे अगर यहाँ अगर आप लोग ढंग से इसको फॉलो कर चलते हैं। तो डिटेल में इसीलिए एनालिसिस कर रहा हूँ। आज करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे और ओल्ड यूपीएससी वाले क्वेश्चन थोड़े कम, ठीक है, और स्टैटिक पोर्शन भी हल्का सा यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नजर डालते हैं जीआई टैग के बारे में, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। यह है बाबा बुदान गिरीज अरेबिक कॉफी। तो ये अभी रिसेंटली इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया 2019 में ही, और ये कर्नाटका में पाए जाने वाला एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो रिसेंटली अभी जीआई के टैग दिए गए उनसे रिलेटेड आप लोगों से। आइए आज का जो जीआई का टैग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यह है अराकू वैली, अराकू वैली अरेबिक कॉफी। तो ये आप लोगों को अराकू वैली जो है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर लोकेशन भी पूछी गई है पास्ट में, यूपीएससी में पूछा गया कि अराकू वैली किस पर्टिकुलर एरिया में पड़ती है। तो इसके नाम पर यहाँ पर इस कॉफी का नाम रखा गया है। राज्य का नाम बताना है कौन से टाइप के प्रोडक्ट में आते हैं, और इसको भी रिसेंटली अभी 2019 में ही जीआई का टैग दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर थोड़ा इसके ऊपर नजर डालिएगा। आइए अब नजर डालते हैं आज के वार्म अप क्विज के ऊपर, जो कि आपकी आंखें खोलने का भी काम करता है। ये जो क्विज है ये आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में फिर डिटेल में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला जा रहा है कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, जिसको जीसीआई भी आप लोग बोलते हैं, तो जीसीआई किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, पहला क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट है यहाँ पर ओसामू सीमो मुआरा, ये जापानी साइंटिस्ट है जिनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था। किस फील्ड में इनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था? अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, तो ये 2018 के नोबेल प्राइज विनर थे। तो ये आप लोगों को बताना है फील्ड इनका कौन सा था। हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर 200 मिलियन लोन का एग्रीमेंट अभी साइन किया गया, और ये बिहार राज्य के अंदर जो हाईवेज हैं उनको वाइड करने यानी कि उनको ज्यादा चौड़ा करने की बात की जा रही है ताकि आराम से वहां पर ट्रैफिक वगैरह जा सके। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में यहाँ पर 200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को कंट्री का नाम बताना है जहां पर एक तरीके से इंप्लॉय हैं, अगर वो ज्यादा एक तरीके से सोते हैं थोड़ा ज्यादा और ज्यादा अपने आप को रेस्ट देते हैं तो उनको प्राइज दिया जाता है। यानी कि वहां पर इतनी मेहनत की जाती है लोगों के द्वारा कि कंपनी खुद उनको वहां पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी प्राइज दे रही है, और हमारी कंट्री में तो लोग जो है वो इंजॉय करते हैं लाइफ को, बस काम ना करना पड़े। तो ये देखिए, ये होता है पैटर्न। तो आप लोगों को उस कंट्री का नाम बताना है। इंटरेस्टिंग कंट्री है ये, एक ऐसी कंट्री है बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर अर्थक्वेक सुनामी भूकंप वगैरह देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर ये लोग जो है इतना अलर्ट रहते हैं, जरा सी देर में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे उभर आते हैं। तो ये इसलिए काफी न्यूज में रहती है कंट्री। नेक्स्ट बात की जा रही है ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में। ग्राम न्यायालय एक्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको न्यायाधिकारी आप लोग बोलते हैं। तो ये न्यायाधिकारी अपॉइंट किया जाता है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसके साथ में कंसल्ट कर यानी किसके साथ में डिस्कशन कर ये न्यायाधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, ये आप लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, ये दोनों वैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, नालसा के बारे में भी और ग्राम पंचायत न्यायाधिकारी के बारे में भी पॉलिटी में ये सारे लेक्चर आप लोगों के कवर किए जा चुके हैं, तो उसमें डिटेल में पढ़ा जा चुका है। ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूट मतलब लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है। तो ये जो बॉडी है ये यहाँ पर न्याय का काम करती है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी कि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर केस लड़ने का, उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है इस एजेंसी के द्वारा। तो किसके लिए है? ओनली हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए, या फिर जो एनआरआई होते हैं उनके लिए, या फिर इसके अलावा अगर आप लोग बात करें कि बाहर की कंट्री का भी अगर कोई लोग यहाँ पर आ रहा है तो किसके लिए? तो मेनली किसके लिए है ये नालसा, ये आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली यहाँ पर आप लोगों को बताया यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में काफी लंबे समय से रस्साकसी चल रही है, तो सऊदी अरेबिया काफी कुछ यहाँ पर बम्बार्डमेंट भी कर चुका है। तो यहाँ पर हुतई जो रिबोइल है उनको रोकने के लिए अभी पीस टॉक हुई थी, यहाँ पर पीस टॉक की बात की गई थी, तो कहाँ पर ये बात की गई थी करने की? 5 दिन का कोणार्क डांस फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, यानी कि रेता जो होता है यानी कि जो सैंड होता है उसके ऊपर आर्ट बनाना, और ये कोणार्क डांस फेस्टिवल ये कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया गया?
ये काफी इंपॉर्टेंट है, कल्चर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट बन जाते हैं। ये जो क्विज है ये तो आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फ्री स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, तो ध्यान से आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है काफी। आइए आंसर देखते हैं। आंसर बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। सेकंड है ये जापानी साइंटिस्ट हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार के अंदर हाईवेज को बड़ा करने की बात की गई। जापान है वो कंट्री जहां पर इंप्लॉय को रेस्ट करने की बात की गई और उनको अगर ज्यादा सोते हैं तो उनको प्राइज भी देने की बात की गई। हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करना पड़ता है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को अगर उसको न्यायाधिकारी को अपॉइंट करना है ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंट्री के जो सिटीजन है उनके लिए फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करने की बात करती है जो कि गरीब तबका है सोसाइटी का। इसी के साथ में ये बात की जा रही है ये है कंट्री कौन सी, ये कंट्री जो यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में बात की थी तो ये है रिम्बो इन स्वीडन, तो यहाँ पर बात करने की बात की गई थी। उड़ीसा है वो राज्य जहाँ पर बात की गई थी कि कोणार्क डांस फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, तो इंपॉर्टेंट है आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूँ, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बड़े लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा आप दिमाग आप अच्छे से लगाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पीएम बीजेपी, तो पीएम बीजेपी का फुल फॉर्म है यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि भारतीय जन औषधि परियोजना की बात की जा रही है। तो ये कंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरा ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाती है, यानी कि इंप्लीमेंटिंग नोडल एजेंसी है। तो कौन सी स्टेटमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पर इनकरेक्ट है, फिर से समझ लीजिए, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट सेकंड बोथ या फिर नन, तो सॉरी, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर इसका, आंसर हो गया इसका फर्स्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर जो बोला गया है, तो ये जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आएगा जिसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट, जिसके द्वारा यहाँ पर ये कंपेन स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हुई, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है ब्यूरो ऑफ फार्मा, तो इसके द्वारा बीपीपीआई है, इसके द्वारा यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है। इसी के साथ में आप लोगों को जेनेरिक दवाई के बारे में पता होना चाहिए, जो दवाई पेटेंट की होती है जब उनका लगभग 15 से 20 साल के बाद में पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो उन दवाइयों को यहाँ पर सस्ते भाव में बेचा जाता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ब्रांड का नाम दे देना। एक जींस आप लोग लेकर आते हैं किसी नॉर्मल दुकान से, उसी जींस के ऊपर अगर लिवाइस का टैग लग जाता है तो वो 4-5 हज़ार रुपए की जींस हो जाती है, तो वो टैग होता है एक तरीके से पेटेंट, ठीक है। तो पेटेंट जब एक्सपायर हो जाता है तब जेनेरिक दवाई होती है वो इसी तरीके का सोल्ट होता है, उसी तरीके का इंपैक्ट डालती है, तो ताकि जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसको भी आसानी से दवाई मिल सके, उसके लिए यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर है यहाँ पर ए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। ये बात की जा रही है यहाँ पर सिंगान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है आसाम में, ये बोला जा रहा है, स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डिक्लेयर किया गया था रिसेंटली अभी एलिफेंट रिजर्व, तो एलिफेंट रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था, और पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन ओनली टू बोथ और नन, ये स्टेटमेंट है। आंसर देख लेते हैं क्या बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बात सही है यहाँ पर, तो इसको एक तरीके से ये है आप सिंगान एलिफेंट रिजर्व के नाम पर इसको पुकारा गया, ठीक है ना, तो ये याद रखते हैं आप लोग। इसी के साथ में जो यहाँ पर अप्रूवल मिला ये 16 अगस्त 2018 में अप्रूवल दिया गया कि इसको यहाँ पर ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसी के साथ में ये 30वें नंबर का एलिफेंट रिजर्व हमारी कंट्री का, ये भी एक स्टेटमेंट बन सकती थी, और साथ ही में यहाँ पर ये नागालैंड के अंदर पाया जाता है ना कि ये यहाँ पर आसाम के अंदर, तो स्टेटमेंट यहाँ पर नागालैंड होनी चाहिए थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो गया यहाँ पर बी, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी तो इससे क्वेश्चन बन गया, तो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रटने की जरूरत नहीं है, जो न्यूज में होती है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई। आगे चलता हूं, वेब वंडर वुमेन, ये एक तरीके का कंपेन अभी न्यूज में था, आखिर किससे रिलेटेड था, ये न्यूज़पेपर में डिस्कशन किया था हिंदू में, आप लोगों को याद होगा इसके बारे में। ये रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पर जो अचीवमेंट महिलाओं के द्वारा किया जाता है अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करती है, क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि जो वुमेन है अगर कोई फार्मर है किसान और गांव में वो सर्व कर रही है तो उसके लिए यहाँ पर ये होता है। तीसरी स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सेलिब्रेट करता है वुमेन जिसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर काफी पड़ा है खासकर सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन लॉन्च कर दिया, जैसे कि मैं क्या करता हूँ फेसबुक पे कई सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ, तो अगर वो सोसाइटी पे इंपैक्ट डाल रही है तो इसका मतलब एक तरीके से ये सही डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, तो कुछ ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है। वुमेन डॉक्टर जो कि खासकर गाँव में सर्व कर रही है उनके लिए यहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, तो ये जो था यहाँ पर ये इसका आंसर है सी।
ये क्या है यहाँ पर, ये है सेलिब्रेट किया गया वुमेन को, खासकर जो वुमेन सोसाइटी के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू वे यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से हमारी सोसाइटी को प्रभावित कर रही है पॉजिटिव मैनर में, तो उसके लिए यहाँ पर ये वे वंडर वुमेन ये कंपेन यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया गया था। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन और बन सकता है, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था ट्विटर के साथ मिलकर, और एक एनजीओ भी थी साथ में जिसका नाम था एनजीओ ब्रेक थ्रू। तो ये यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में फ्री स्टेटमेंट के बेस में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आइए आगे चलता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया और ये रिसेंटली अभी भी न्यूज में था, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से नहीं पूछा जाएगा, ये तो रिपीटेडली क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, खासकर जो इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूज में होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर जीका वायरस से रिलेटेड जो डिजीज यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि ट्रांसमिटेड होती है, वो बिल्कुल इसी तरीके के मच्छर से जो कि यहाँ पर डेंगू यानी कि जो डेंगू वाला बुखार जहाँ पर आप लोग देखते हैं वो फैलता है, वही मच्छर यहाँ पर जीका वायरस भी फैला सकता है, तो क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला है कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, यानी कि जीका वायरस जो डिजीज है वो यहाँ पर यौन संरक्षण के अगर संबंध बनाया जाता है उससे भी ट्रांसमिट की जाती है, यानी कि अगर फिजिकल रिलेशन किसी के साथ में बनाए जाते हैं जिसको ये बीमारी है तो भी इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं, तो आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है यहां पर जो जीका वायरस है ये यहां पर ट्रांसमिट हो सकती है उसी मच्छर से जो कि डेंगू यहां पर फैलाता है, यानी कि सेम मच्छर यहां पर ये काम कर सकता है। इसी के साथ में ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड भी डिसीज है, अगर एक इंसान को है जो सेक्चुअली यहाँ पर एक जिस इंसान को है और उस किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो दूसरे इंसान को भी ये बीमारी आसानी से पहुंच सकती है, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। और हाँ, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो क्या बच्चों में ट्रांसमिट हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल ट्रांसमिट हो सकती है, और वो बीमारी का नाम है माइक्रोसीफेली, MICROCEPHALY, माइक्रोसीफेली। तो ये जो बीमारी है क्या काम करती है, जो बच्चे के सर का साइज होता है उसमें डिफरेंस क्रिएट कर देती है, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे के सर का साइज होता है उससे कम बच्चे के सर का साइज देखने को मिलेगा, कंप्लीटली उसका माइंड जो है वो डेवलप देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसी बीमारी यहां पर क्रिएट की जाती है जीका वायरस के द्वारा, और ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, आप लोगों को शायद याद होगा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस फिर से हैं, जीका वायरस के नाम पर किसी दूसरी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहां पर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और थोड़े से ध्यान से पढ़िएगा, बात की जा रही है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में, यानी कि जो इंसान अर्थ पे चैंपियन है यानी कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, उसके लिए यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में स्टेटमेंट देखिए, पहला बात बोली जा रही है यहां पर कि ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है जो कि यूएन के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ये जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 2018 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यहाँ पर दिया गया, किसके लिए, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो कौन सा हो गया आंसर सही, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ओनली वन, ओनली टू, ओनली ये यहाँ पर बोथ या फिर नन। तो देखिए क्वेश्चन के दोनों पॉइंट आप लोगों को पता है, पर लेकिन अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो आंसर गलत कर देंगे, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया है। आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे वाह यार ये तो सब कुछ पता है हम लोगों को, तो फटाफट आप लोग आंसर क्या लगा के आएंगे यहां पर वन एंड टू, ये जरा सा स्टेटमेंट अगर नहीं पढ़ेंगे, और यहां पर अगर यहां पर इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे उनके साथ मिलकर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, और ये यूएन का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि एनवायरमेंट के फील्ड में दिया जाता है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए ये एक आप लोग रिविजन भी कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, अगर नहीं पता है तो जाकर देखते हैं। हमारी कंट्री में एक और किसी पर्टिकुलर चीज को ये अवार्ड दिया गया था, उसका नाम आप लोग बताइए और किस राज्य में है ये भी आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे, कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, किस किस तरीके से किस पर्सन को दिया गया 2018 में, ये डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसको भी जाकर आप लोग देखते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नीचे मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक पक्षी के बारे में जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये जो पक्षी है ये हमारी कंट्री में पाया जाता है और एक रेयर स्पीसीज है लगभग आप लोग ये बोल सकते हैं। तो ये बोला गया कि इसको आइडेंटिफाई किया गया अभी रिसेंटली जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसके प्रोग्राम के तहत, क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला गया कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनिशिएट किया गया था अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में यहां पर इसके साथ में सेलिब्रेट किया गया था, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ये यहाँ पर बोला जा रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हमारी कंट्री में शेड्यूल वन है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत यहाँ पर शेड्यूल वन में इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है गुजरात नहीं है, जो कि प्रोजेक्ट बस्टर्ड यहाँ पर इसके द्वारा स्टार्ट किया गया और ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2013 में स्टार्ट किया गया। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर कि 5 जून को ये स्टार्ट किया गया था, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो आप लोगों को बताया। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो होता है वो हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। तो इस तरीके से आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर हो गया इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्योंकि ये काफी न्यूज में था पक्षी और कुछ हद तक ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, रेयरली और कहीं एक आधा पक्षी देखने को मिलेगा, मैक्सिमम यहीं पर ही पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, बात की जा रही है स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, यानी कि बीएसआई जिसको बोलते हैं, ये मैंडेटरी है फॉर ऑटोमोटिव टायर और ट्यूब्स के लिए, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है कि एग मार्क जो है वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जो कि मार्क फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, इसके द्वारा इश्यू किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड, बोथ या फिर नाइदर? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज में रहता है कई बार ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है जो बात की जा रही है, ये इसको दिया जा सकता है यहाँ पर लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी कंट्री में डायरेक्टरेट ऑफ ये मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा दिया जाता है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। तो एफएओ जो बोला गया यहाँ पर, फूड एंड द एग्रीकल्चर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तो इस हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं मिजल्स के बारे में, यानी कि जिसको खसरा आप लोग बोलते हैं हिंदी में, तो ये एक वायरल डिजीज है, क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड बोला जा रहा है कि इंडिया अलोंग विद ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मेंबर कंट्री प्लान कर रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए मिजल्स को 2025 में, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? और यहाँ पर ढंग से पढ़िए, यहाँ पर ये करेक्ट पूछा गया है, तो इसके बारे में आइए जान लेते हैं। पहले तो एक बार ये देखिए, बीमारी कुछ ऐसी होती है, अगर आप लोग देखेंगे तो शरीर पे चत्ते चत्ते टाइप के यहाँ पर इस तरीके से हो जाते हैं। पहली स्टेटमेंट सही है, ये एक वायरल डिजीज है और यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट कॉजेज है, इसकी वजह से बच्चों की, खासकर यंग जनरेशन के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी के लिए यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर तो यहाँ पर ये बोला गया, इंडिया भी यहाँ पर पार्ट है कि 2020 तक इसको खत्म करना है, ना कि 2025 तक, ठीक है। इसी के साथ में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आप लोग याद रखिए, 2030 तक का टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का ग्लोबल, यानी कि वर्ल्ड का, हमारी कंट्री का टारगेट है 2025 में इसको खत्म करने का। तो देखते हैं क्या हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो ये भी रिसेंटली अभी काफी इसी रीजन की वजह से न्यूज में था। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ये वायरल डिजीज है, जी हाँ बिल्कुल वायरल डिजीज है, पर लेकिन जो टारगेट है वो 2020 है, ना कि 2025। तो आंसर हो गया यहाँ पर ए, और करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा जाता तो बी हो जाता। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में, तो यहाँ पर ये बोला गया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो अगर एडिशनल प्रोटोकॉल यहाँ पर हम लोग रेटिफाई करते हैं विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो यहाँ पर इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी, यानी कि इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को मैं डायरेक्ट ही बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अगर पता होगा तो ही आंसर दे पाएंगे। ये एक सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कम अंडर ये IAEA के सेफगार्ड के अंदर आता है, ठीक है ना, यानी कि सिविलियन एक तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिविलियन पर्पज के लिए यूज करने की बात यहाँ पर की जाती है। तो इसके साथ में ये जो हमारी कंट्री के सेफगार्ड हैं, खासकर न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर सिविलियन यानी कि जनता के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है और उसको सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल दीजिए, यहाँ पर ये नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पूछा गया था, NPS के बारे में। तो जो यहाँ पर सही स्टेटमेंट अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये आर्म फोर्स वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि आर्म फोर्स आप लोगों को पता है ये अलग कैटेगरी में आ जाता है। तो बोला गया था कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज आर्म फोर्स, तो आर्म फोर्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये गलत है, ये इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्म करना था, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखेगा, यानी कि आर्म फोर्स वाला जो पोर्शन है वहां पर वो स्टेटमेंट में गलत है, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट वो सही है, बस ओनली आर्म फोर्स वहां से हटाना है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लेक्चर की पीडीएफ आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, चीजों को शेयर करना मत भूलिए। और देखिए, दिन की शुरुआत जो होती है पूरे जोश के साथ में कीजिए, ताकि शाम तक आप लोग के अंदर जोश भरा रहे, ठीक है ना। तो हाउ इज द जोश, तो बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को एंजॉय करना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा द हिंदू का डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।